1971 में युद्ध के मैदान में भारत के हाथों मिली करारी हार को पाकिस्तान हमेशा नकारता रहता है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना ने मान लिया है कि उसे युद्ध में हार मिली थी। भारत के हाथों मिली हार को स्वीकारते हुए पाकिस्तानी सेना चीफ ने अपने नेताओं को संभल कर रहने की भी नसीहत दे दी है। पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 1971 की जंग में पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 93,000 नहीं बल्कि 34,000 थी। दरअसल 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि अब तक पाकिस्तान इस हार से मुंह चुराता रहा है, लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस डे के मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1971 की जंग में हार को सेना का नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की पराजय करार दिया। इस दौरान उन्होंने नेताओं को सेना के सम्मान की भी नसीहत दे डाली। 1971 जंग के बारे में जनरल बाजवा ने कहा, 1971 की जंग को लेकर बहुत सारे गलत तथ्य बताए जाते हैं, उन्हें मैं सही कर देता हूँ। पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 93,000 नहीं बल्कि 34,000 थी। इन लोगों ने 2.5 लाख भारतीय सैनिकों और 2 लाख मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों से मुकाबला किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो खेद जताते हुए कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों को आज तक सम्मान नहीं मिला है। बाजवा ने कहा, यह दुख की बात है कि इस जंग को लड़ने वाले सैनिकों को आज तक सम्मान नहीं मिल सका है। 1971 की जंग की हार सेना की नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। उस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों के साहस की सराहना तो तत्कालीन भारतीय आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानक शाह ने भी की थी। जनरल बाजवा ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बगैर नसीहत दे डाली। जनरल बाजवा ने कड़े शब्दों में कहा, नेताओं को पाकिस्तान की भलाई के लिए सेना के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेना की आलोचना करना राजनीतिक दलों और जनता का अधिकार है, लेकिन भाषा कैसी इस्तेमाल करनी चाहिए यह सोचने की बात है। गौरतलब है 1971 की जंग को बांग्लादेश की आजादी के संग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाया था। युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।